बैक टू माय चैनल ग्लैम विद मी। कैसे हो आप लोग? अभी हम लोग जा रहे हैं पिकनिक पे, जैसे मैंने आपको बोला था, मेरी मामा बाड़ी पे, और बहुत सारे लोग उधर आने वाले हैं आज। ड्रेसेस संग के मैचिंग पूरे लाल ही लाल, हेलमेट और मैचिंग, ये मार्साइट और मैचिंग। मिठाई तो लेके जाना बन रहा है ना, तो इसीलिए मुआ लेंगे। मुआ बहुत फेमस होता है। और क्या लेंगे सोच है? এটা নেবে নিচে? এটা কি গো রসমালাই? এটা 10 টা নিতে। এটা কত পিস দাদা? पापा का एक एक्सरे हुआ था, पापा का कुछ एक्सरे रिपोर्ट कलेक्ट करना था, तो उसके लिए हम लोग इधर आए हैं। उसके बाद हम जाएंगे। मेरा हालत देख के शायद कोई पहचान ही नहीं पाता कि मैं हूँ कौन। मतलब क्या बोलूँ, ये जो आप देख रहे हो ना मेरे मामा बारी, इसके ग्राउंड से स्कूल जाता था, और मेरी मामा बारी का सारे फ्रूट फ्रूट के पेड़ से फ्रूट निकालता था ना, कीनों नीचे कोरमचा, कोरमचा बोल के एक छोटा सा ऐसा फ्रूट होता है, मैंगो, ये सब ये वो ऐसे करके ना पेड़ से पत्थर मार के और मेरी मामा मामी से बहुत डांट मिलती थी उस टाइम पे। क्यों? अभी तो जामा याद और मिल रहा है। हां नहीं, तब तब ना हम लोगों का एक ऐसा फीलिंग था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। हां अभी अभी जो बोलता था दूर से पकड़ में नहीं आता था, एक बार भी नहीं पकड़ पाया। अभी देखो आते ही ये खाओ वो खाओ वो खाओ, ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। अभी जो जो नहीं है वो भी नहीं, वो भी मिल रहा है। ये वाला पेड़ नहीं है, ये सब मेरे बदौलत है। ठीक है, तुम अगर नहीं भी होते तो भी मैं करता था ना। अभी भी करते? नहीं अभी नहीं करता। वाह 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 वाह, माँ किसे बोल बे। मैं आते ही मम्मी ने बोला कि आज ना मुझे बहुत सारा वो कॉटबेल मिला है, वो उसको बना, कॉटबेल आपको पता है एक फ्रूट्स होता है वो खट्टा खट्टा, उसको ऐसे क्या बोलूँ मैं आपको, समझा नहीं सकती, उसका एक चटनी जैसे बनाना पड़ता है, मतलब रॉ रॉ रहता है, वो बनाने के लिए बोल दिया मम्मी ने। तो मेरी मौसी वो लोग अभी तक नहीं आए, वो देर करके आएंगे, अनिर्वाण शायद उस टाइम पे चले भी जाएंगे। अगर थोड़ा जल्दी आ जाए तो जम के वो क्या कहते हैं इसको, खाना जो मिये गोल को। मम्मी पागल हो गई है एकदम, कब आएगी कब आएगा। मम्मी का बेस्ट फ्रेंड बेस्ट बहन, दो तीन बार कॉल हो गया है। কোথায় মা? কতক্ষণ লাগবে আর? জানি না, বলো তো চাপাটা নিয়ে মরে। এখন বলো কলমি মরে আগে বলতে চাপাটা নিয়ে। মা পালিয়ে যাচ্ছে কেন গো? মা পালিয়ে গেল কেন? দেখি কি করে মা। মা আগে একটু স্যানিটাইজার দিও, তারপরে কিন্তু জড়িয়ে। এসে গেছে সুন্দরী। কি আস্তে আস্তে কথা বলিস আর আমি এত কথা বলি না, মুখটাই দেখতে পাচ্ছি। আগে তোমাকে শুদ্ধ করবে। নে ভালো করে কর, এটা একটু দিয়ে স্প্রে কর না। হ্যাঁ ওটা দিয়ে স্প্রে করে দে। না চুল কেটেছো? হ্যাঁ কি স্প্রে করব? আরে তুমি এখানটাকে দাও। ये डाल है, डाल
বাঁধাকপি পাতাকপি ফিশ হেড কে সাথ ইয়ে এ শঙ্কর মাছ শঙ্কর মাছ শঙ্কর মাছ চিকেন চিকেন চাটনি আর ইয়ে কি জানো এটা রস মাধুরী রস মাধুরী কি নাম আমরা কে দিই আচ্ছা এটা তো ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে এটা এটা কই কই মিজুরি এটা তো ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে আর এটা এটা ফ্রিতে আমরা চাই না গাছের লঙ্কা ও গাছের লঙ্কা গাছের লঙ্কা আচ্ছা গাছের লঙ্কা গাছের না হোক লঙ্কা আমার চাই না লঙ্কা দেখো শালি তোমাকে জামাই ষষ্ঠীর মতন শাড়ি দিল আর শাড়ি পেছনেই পড়ে থাকবে হামাস এটা শালি শালির পেছনে বাস না মনে কেমন লাগ রহা হ্যায় হর বক্ত জামাই ষষ্ঠী হর বক্ত জামাই ষষ্ঠী বছরে দুবার কিরে বেটা হর হর বম কে এরকম লাগে খেলে আমরা তো ঘুরতে বেরে যাই আহ আরে একটা সেই জন্য পরে না আবার আরেকটা রেডি করে পিকনিক কাম আর অনির্বাণ কা জামাই ষষ্ঠী যা লাগ রহা হ্যায় কই গলে বাঙালি সমাজের নিয়ম ডাল ভাত খেতে বলো তাও ভালো বলো হিন্দিতে তোমাকে সবাই খুব পছন্দ করে বলো একটু কি বলো শিখিয়ে দে এই খালি গায়ে আমি এখন ভাত খেতে বসেছি দুপুরের তা দেখুন আমার যে ভাগ্নি জামাই এসছে হায়দ্রাবাদ থেকে তুই মাথা খেতে পারবে তো দিচ্ছি কিন্তু হ্যাঁ হ্যাঁ দে আস্তে আস্তে খা ওটা এটা আমার করে দেখাই বেশ বেশ এটা আবার হ্যাঁ দু তিন বাকি রাশি আমি দিব আমি খাবো আমি না নিয়ে গে আমি দিয়েছি মামি বলুনে কাকি বলাই অভ্যাস কাকুলি থেকে কা আর দিকে মা ये है छोटो मेरी वन ऑफ द बेस्ट मासी मौसी मम्मी हमेशा मतलब फोन में बात करती है छोटो के साथ जब हैदराबाद में तो एवरीडे छोटो को कॉल करना ही है तो मौसी को हम छोटो बुलाते हैं क्योंकि ये उम्र में सबसे छोटी है तो इसलिए हम छोटो बुलाते हैं हम ही करे छी तुमसे तो बोलो लोचो कछु आज फाड़ दिया एकदम मतलब एक से बढ़कर एक होल है लास्ट दिन मम्मी ने बनाया था एक वो भी मतलब फाड़ दिया था और आज मामी ने बनाया दूसरा ये भी मतलब फाड़ दिया एक से टाक से धुआं निकल रहा है बहुत दिनों बाद ऐसा मिला कौशा है आप लोगों को भी मुंह में पानी आ रहा होगा हम सो सारी शेयर नहीं कर सकते देखो ओहो हो और इधर देखो दोनों गए हैं मामा और शादीर बागान देखने कुताई गलो रे उड़ा ओ इजे सब घुड़े घुड़े देखछे बागान मेरी मम्मी को बहुत पसंद है ऐसे पेड़ पौधे आप लोगों को बताती हूँ ना और मम्मी का बेस्ट फ्रेंड है मम्मी की बहन मतलब छोटी वाली बहन थोड़ा सा ही डिस्टेंस है मतलब एज ग्रुप बहुत कम है तो इन दोनों का बहुत बनता था शादी से पहले भी शादी के बाद भी एक ही जगह पर रहते हैं ना पर अनफॉर्चुनेटली मैं हैदराबाद में हूँ इसीलिए बहुत दिनों से नहीं मिला आज पहली बार मिला इसीलिए एक्साइटमेंट बहुत हाई है कि माँ তুমি তো ছোট্ট কে পেয়ার হাইও বলছো না ওই যে শিম নিয়ে এসছে তিন্নি নে বলা হ্যায় কি ইয়ে মাম্পি নিয়ে খাইঙ্গি কিউকি ইয়ে হ্যায় ব্রাহ্মণ কা প্রসাদ এটা আমি বলি বাবা ও বাবা ব্রাহ্মণ কা প্রসাদ মানে তোমার এটো করা সবাই মিলে তোমার এটো করা না মানে ঢেলে ঢেলে নিয়ে এসছো বলে কি রে সবাই মিলে নিয়ে নে और उसी का ही सब्जी है ये सब मामा का बागान एंड मामी का बनाया हुआ खाना हां बागा को भी मामा का बागान है
मम्मी का कॉमन डायलॉग है ये अच्छा है अच्छा है और एक है हाय हाय अनिर्बन जाएगा और हम लोग तिन्नी रोल चाउमीन बहुत कुछ खाएंगे ठीक है अभी मेरा मूड भी नहीं है अभी बहुत कुछ खा लिया हाँ और देखो मामी ले क्या लेके बैठे हैं सोने वाला है कदबेल माखा इटा और अनिर्बन को ये पसंद नहीं है एकदम मेरी मौसी अनिर्बन का जूता पहन के चला गया अभी रात के बज रहे 11:30 और हम लोग घर जा रहे हैं एक्चुअली अनिर्बन तो दोपहर को खाना खा के ही चला गया था उसके बाद क्या हुआ कि मैं उधर ही रही क्योंकि मौसी वौसी आए थे और भी एक मौसी का आने का बात था पर वो नहीं आए फुल फैमिली आने वाले थे पर नहीं आए क्योंकि आज वेज था ऐसा कुछ प्रॉब्लम था तो फिर अनिर्बन ऑफिस के लिए काम के लिए चला गया और हमें और एक इन्विटेशन भी मिल गया और मामा ने कॉल करके बोला कि आए अनिर्बन अब आ जा रात को भी खाना खा के जाना तो अनिर्बन ने फिर बोला कि ठीक है आ जाऊँगा मैंने सोचा था कि वो ना बोलेगा पर उसने हाँ बोल दिया तो मैं वेट करती रही और अनिर्बन को 10:15 को वो आया फिर खाना खा के अभी 10:00 मेरा दुकान बंद हुआ है 10:00 भी नहीं 10:08 को SMS किया कि हाँ रहो फिर उसके बाद अभी हम लोग घर जा रहे हैं और मेरी मम्मी और मेरी बहन बोल रहे थे कि चलो तुम लोगों को हम थोड़ा सा पहुंचा दे के आते हैं मतलब अनिर्बन को कुछ फ़ायदा ही नहीं है मतलब इतना बड़ा बॉडीगार्ड का कोई फ़ायदा नहीं है वो लोग आने वाले थे मुझे छोड़ने सोचो उन लोगों का चलने के लिए नहीं तुम्हें स्टाइल मार चुका ना बाद ठंडा कुआसा एक पड़े नहीं आज देखो ठंडा लगले तक कुछ नहीं दूसरा दिन बहुत ज़्यादा फॉगी हो जाता है आज बिल्कुल नहीं हुआ है वेदर मतलब अजीब ही है मतलब डेली बहुत चेंज हो रहा है और कल ना मम्मी के साथ पोस्ट ऑफिस भी मुझे जाना है मुझे काटर भय क्यों मुझे खाए ना हेलो गाइस गुड मॉर्निंग देखो क्या हो गया इतना मिठाई खा रही हूँ ना मैं ज़्यादा स्वीट खाने से मुझे पिंपल्स आता है क्या करूँ अभी कल रात का क्या हुआ था इतना हम लोग बिजी हो गए थे वैसे कल हमारा पिकनिक थोड़ा सा फ्लॉप हो गया बहुत सारे लोग और आने वाले थे वो लोग नहीं आए तो फिर भी मज़ा हुआ तो बहुत पर क्या हुआ उसके बाद मेरी जो मौसी आई थी उनको भी हम छोड़ने गए थे फिर बहुत सारा मतलब इधर उधर हो रहा था मैं तो वीडियो शूट करना ही भूल गई चलो इस व्लॉग को मैं इधर एंड करती हूँ मम्मी अभी भी है मामा तो मेरे को छोड़ने वाले नहीं है और भी इनविटेशन आ रहा है मौसी के घर में इधर उधर इसके घर में उसके घर में और मेरी बुआ के घर में अभी तक हम नहीं गए हैं बुआ बहुत नाराज़ हो जाएंगे एक्चुअली बुआ के घर में ना शादी चल रहा है मतलब बुआ के आसपास में तो उसीलिए हम नहीं तो इस वीक ही हम जाते हैं पर उनका शादी चल रहा है ना वो लोग जाएंगे तो उधर हम जाके मुश्किल हो जाएगा चलो इस ब्लॉग को मैं इधर एंड करती हूँ और कितना अच्छा धूप है मैं थोड़ा सा धूप लेती हूँ छत पे आके बहुत अच्छा लगता है बाय बाय गुड नाइट सॉरी गुड मॉर्निंग